बनारस के मंडवाली क्षेत्र में जल्लाली पट्टी क्षेत्र के रहने वाला आशीष, जो अपने आप को फ्रीडम प्रोड्यूसर और प्रॉपर्टी डीलर बताकर लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पर करोड़ रुपए लिए और फिर भी पैसे वह फिल्मों में लगाता था। जब लोगों को काम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पैसे आशीष से वापस मांगा। आशीष ने लोगों के पैसे वापस ना करने के तालमेल करने लगा और उन्होंने शिकायत माड़वा डील थाने के शिकायत दर्ज होने के बाद माड़वा डील के अशोक कुमार ने आशीष दी कि लोगों को हिरासत में अपने लिया है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए अनिल की रिपोर्ट। बनारस मैं सतीश कुमार झा, मेरी वाइफ मंजू झा, ये इनको पैसा प्लॉट के लिए दिया गया था और कुछ चेक से पेमेंट हुआ था और कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया गया था। मिसिस किस चीज़ के लिए आप पैसा दिए थे? ये प्लॉट के जमीन अलॉटमेंट के लिए। क्या ये आपको प्लॉट नहीं उपलब्ध कराया? प्लॉट उपलब्ध नहीं कराया इन्होंने। कितने दिन पहले आपने इनको पैसा दिया था? ये मैं 24 अप्रैल 2016 में पैसा मैंने दिया था और ना ये पैसा देने के मूड में है और ना ही रजिस्ट्री करने के मूड में है ना प्लाट देने के मूड में। प्लाट जब आप इनसे प्लाट मांगते हैं तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जब मैं पैसे की व्यवस्था करूँगा तो मैं पैसा आपको दूँगा। पैसे की आज भी नहीं व्यवस्था हो पाती है और देने के मूड में नहीं बिल्कुल। आशीष डे, फर्स्ट डे, आशीष डे, आपके ऊपर जो इस तरीके का आरोप लग रहा है कि जमीन के लिए आप पैसे लेके कई सारे लोगों के साथ ठगी किए हुए हैं, तो क्या मामला है? सर मैंने पैसे तो लिए थे, ठीक है ना, जमीन के लिए पैसे लिए थे, कुछ इन्वेस्टमेंट भी लोग किए थे। मेरी गलती है, बिजनेस किया था मैं बिजनेस में पैसा लगाया था, मूवी में पैसा लगाया था, जहाँ पर मेरा पैसा जो किया। बनाते हैं आप? मैं बंगाली मूवी बनाता हूँ, रीजनल मूवी, क्योंकि अब हिंदी मूवी में 100 करोड़ 150 करोड़ लगाने की तो कैपेसिटी नहीं है, तो करीब पे लोगों का 125 करोड़ रुपये मेरे पास था जो मैं मूवी में लगा दिया था, वही पैसा मेरा फंस गया था, ठीक है ना, जिसलिए मैं आ गया हूँ। काफ़ी लोगों का मैंने पेमेंट दिया भी है, ऐसा नहीं कि काफ़ी लोगों का पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है ना। फिल्म प्रोड्यूसर आप ही हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस में कहाँ? DLW। तो इतने सारे लोगों का आपने पैसा लिया हुआ है और प्लाट भी नहीं दिए हुए हैं आप अभी तक उन लोगों को? नहीं, अभी मूवी में पूरा पैसा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर पूरा फंस गया था। अब मेरा मूवी बना हुआ है, उसको रिलीज़ करना है, रिलीज़ के लिए फंड का मैं जुगाड़ कर रहा था, वो करने के बाद मैं धीरे धीरे लोगों को पैसा दूंगा। लगता तो नहीं, लोगों का कहना है कि आप लगभग किसी को 2 साल से, किसी को 3 साल से? हाँ सर, क्योंकि नोटबंदी के बाद से, उसके पहले काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसमें उनको रिटर्न भी मिला, वापस भी मिला, ऐसा नहीं कि वापस नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन बट नोटबंदी के बाद मैं गिर गया, ठीक है ना। लेकिन आप अपने पत्नी बच्चों सहित फरार हैं? नहीं, पत्नी बच्चे मैं कृष्ण मोहन तिवारी, NTPC रियांग थर्मल पावर में मैं काम करता हूं। और आज का मामला किस तरीके का? आज का मामला यह है कि विजन इंफ्रा टेक के जो CMD हैं आशीष डे, ये प्लाट के एवज में हम लोग से पैसा लिए थे और प्लाट की उपलब्धता ये नहीं करा पाए और उसके बाद से ये फरार रहने लगे और इनका ये कहना है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, झूठ फ्रॉड सारी चीज़ें ये कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। कितने पैसे की ठगी किए हैं आपके साथ? हमारा ये 10,26,200 रुपया ये लिए हैं और ये हमारे Form 16 वगैरह कागजात वगैरह लिए थे। मुझे 5 बैंक से टाई अप है, मैं उसे लोन करा के आपका जो है प्लाट शहीद पथ पर शहीद इनकलेव के नाम से जो था ये देने के लिए हमारे साथ वादा किए थे। और उसके बाद कुछ समय के बाद ये जब ये प्लाट नहीं दिए तो हम लोगों ने पैसे का डिमांड किया तो इन्होंने वो आनाकानी आजकल करते करते फिर बाद में बताने लगे कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ और पिक्चर में मैं इन्वेस्ट कर दिया हूँ, वहाँ से फिर मैं पैसा दूंगा। लेकिन वो भी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये पैसा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पैसा देने के मूड में है। ये पैसा सब जगह तो दे रहे हैं लेकिन हम लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा ये देने के मूड में नहीं है, ना प्लाट दे रहे हैं ना ये पैसा दे रहे हैं। ये आपने पैसा कब दिया था? ये पैसा मैं March 16 में दिया था। ये आपको कैसे पता चला कि इन्होंने फ्रॉड किया? ये नहीं दे रहे हैं ना सर, ये हम लोगों को प्लाट दे ही नहीं रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अभी आप आगे क्या करेंगे? अभी आगे सर जो लीगल कार्रवाई होगा वो कानूनी प्रक्रिया किया जाएगा इनके साथ में। तो ये KYC है, ये KYC इन्होंने दिया था
और ये आपका ये रसीद है, ये रसीद इन्होंने दिया था प्लाट के एवज में, और ये बैंक का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं ये जो मार्क है वो 3 बार में 10 लाख, फिर 25,000, और ये 7 लाख, 3 लाख 1,200 रुपया करके है, मतलब 10,26,200 रुपया ये हो रहा है। ये इनको प्लाट के एवज में विजन इंफ्राटेक के नाम से इन्होंने कंपनी खोला था, और उसी के नाम से इन्होंने पैसा भी लिया था, लेकिन आज तक